हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ईएसटी स्टडी गाइड चैनल। आज हम इस लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं पहाड़े टेबल ट्रिक्स। वो टेबल ट्रिक कौन सी है और क्या है, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं 1 to 100 के पहाड़े कैसे बनाए जाते हैं। देखो, फर्स्ट ट्रिक क्या है हमारी, फर्स्ट ट्रिक है हमारी मल्टीप्लिकेशन। देखो, हमें जब 2 to 10 के, देखो 2 to 10 के टेबल बनाने होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हमें आसानी से याद आता है, हम आसानी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेकिन जब हमें बड़े बड़े अंक आते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बहुत दिक्कत पड़ती है, तो हमें वो दूसरी ट्रिक वही अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो, फर्स्ट ट्रिक क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करने वाले हैं, चलो देखते हैं, फर्स्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। एग्जांपल के लिए क्या लेते हैं, हम 3 लेते हैं। देखो, 1 to 10 का टेबल कैसे तैयार करते हैं, तो एग्जांपल लेते हैं 3 का। 3 का टेबल कैसे लिखते हैं हम, देखो 3 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऐसे 3 को 10 तक मल्टीप्लिकेशन करना है और जो आंसर आता है वो परमानेंट टेबल हो जाता है हमारा। तो देखो, 3 का मल्टीप्लिकेशन, देखो 3 का टेबल, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 13। तो देखिए, हमने कैसे मल्टीप्लिकेशन से 3 का परमानेंट टेबल निकाला है। तो ऐसे ही हम 2 to 10 के परमानेंट टेबल मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। तो ये क्या फर्स्ट ट्रिक है हमारी मल्टीप्लिकेशन से टेबल निकालने की। अब हम क्या सेकंड ट्रिक देखने वाले हैं। तो सेकंड ट्रिक के लिए क्या हम एग्जांपल लेने वाले हैं टेल का। देखो, टेल का टेबल हम कैसे निकालने वाले हैं, तो टेल का हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग करना है। टेल 1 और 2 का स्प्लिटिंग करना है, 1 का टेबल 10 तक लिखना है और 2 का टेबल 20 तक लिखना है। देखो, मैंने लिखा है, क्या करने वाले हैं, लास्ट डिजिट है जो वैसा कि वैसा लिखना है। देखो, 2 टेबल का, 1 और 2 का टेबल का लास्ट डिजिट कौन सा है, जैसा है वैसा ही लिखना है। तो देखो, देखो 1 2 क्या हुए, 12 हुआ, 2 4 24 हो गए, 3 6 36 हो गए, 4 8 देखो 48 हो गए। अब क्या करेंगे हम, लास्ट डिजिट है वैसा ही लिखना है और जो बचा हुआ है वो सेकंड टेबल में क्या कैरी में देना है हमें, उसे हम दोनों की एडिशन भी कह सकते हैं। तो देखो, 0 लास्ट डिजिट वैसा ही वैसा लिखना है, 1 सेकंड टेबल में क्या कैरी में गया, उसकी एडिशन करनी है, 5 और 1 क्या हुआ, 6 हुआ, तो देखो क्या हुए, 16 हो गए। 2 वैसा कि वैसा लिखना है लास्ट डिजिट, 1 और 6 7 72 हो गए। 4 वैसा कि वैसा, 7 और 1 क्या हुआ, 8 हुआ, 84 हो गए। 6 लास्ट डिजिट जैसा कि जैसा लिखना, 1 कैरी में गया, 1 और 8 क्या हुए, 9, तो 96 हो गए। 8 लास्ट डिजिट वैसा ही वैसा लिखने का, 1 कैरी में गया, 1 और 9 10 हो गए। तो क्या हुआ, 0 वैसा कि वैसा लिखना, 2 कैरी में गया, कितने हुए, 12 हो गए, 120 हो गए। तो ये टेल का परमानेंट टेबल हमने लिखा है। तो क्या हुआ परमानेंट टेबल टेल का, टेल 1 टेल, टेल 2 24, टेल 3 36, टेल 4 48, टेल 5 16, टेल 6 72, टेल 7 84, टेल 8 96, टेल 9 108, टेल 10 120। ये परमानेंट टेबल टेल का लिखा है हमने। तो अब हम कौन सा भी अंक लेकर टेबल इस ट्रिक का यूज करके निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आने के लिए हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं टेबल आपको अच्छे से सीखने के लिए। तो कौन सा एग्जांपल लेने वाले हैं हम, 45 का हम एग्जांपल लेने वाले हैं आपको समझ में आने के लिए टेबल कैसे लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब 45 का भी हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे, 2 पार्ट करेंगे 4 और 5 का। तो देखो क्या करने वाले हैं हम, 4 और 5 के टेबल सेपरेट लिखने वाले हैं।
तो हमने पहले जैसा 12 का टेबल लिखा है वैसे ही हम 45 का टेबल निकालने वाले हैं। तो देखो क्या करेंगे हम 4 एंड 5 जैसे के वैसे लिखने वाले हैं। अब देखो 0 लास्ट डिजिट जैसे है वैसा लिखना है। 1 कैरी में गया, कितने हो गए 8 और 1 9 हो गए, 19 हो गए। देखो 5 वैसे के वैसा लिखना, 1 कैरी में गया 10 और 1 13 हो गए। देखो वैसे ही हम पूरा का पूरा टेबल लिखने वाले हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे आप, 0 वैसे के वैसा लिखना, 16 और 2 कितने हो गए 18 हो गए, 5 जैसे के वैसा लास्ट डिजिट, 2 और 20 कितने हो गए 22 हो गए, लास्ट डिजिट 0 वैसे के वैसा लिखना, 3 कैरी में गया 24 और 3 कितने हो गए 27 हो गए, 5 वैसे के वैसा लिखना, 28 और 3 कितने हुए 31 हो गए। देखो 0 वैसे के वैसा लास्ट डिजिट जैसा ही लिखना है, 4 और 32 कितने हो गए 36 हो गए, 5 लास्ट डिजिट जैसा है वैसा लिखना, 4 कैरी में गए 36 और 4 कितने हो गए 14 हो गए, 0 वैसे के वैसा लिखना, 14 और 5 कितने हो गए 45 हो गए। तो देखो 45 का परमानेंट हमने टेबल लिखा है। तो क्या हुआ 45 का परमानेंट टेबल, 45 वन जा 45, 45 टू जा 19, 45 थ्री जा 135, 45 फोर जा 180, 45 फाइव जा 225, 45 सिक्स जा 270, 45 सेवन जा 315, 45 एट जा 316, 45 नाइन जा 405, 45 टेन जा 415। ये हो गया हमारा 45 का परमानेंट टेबल। तो ऐसे ही हम 1 to 100 तक के किसी भी अंक के टेबल बड़े आसानी से हम लिख सकते हैं। तो हमने आज क्या सीखा है, टेबल सीखे है 2 ट्रिक के साथ। पहली कौन सी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक और दूसरी कौन सी ट्रिक आज हमने सीखी है। देखो फर्स्ट जो लास्ट का डिजिट है वैसे की वैसा लिखना, और सेकंड डिजिट है जो फर्स्ट टेबल में कैरी में देना, उसे एडिशन भी कहते हैं। ये हमने सेकंड ट्रिक आज बड़े आसानी से सीख ली है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जैसे कि आपको एजुकेशन के बारे में बहुत सारे वीडियो देखने मिलेंगे मेरे इस चैनल पर। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।